ओम शांति। सद्भावना का अर्थ है सच्चा और अच्छा भाव, प्रेम व हित का भाव, छल कपट व द्वेष आदि से रहित भाव। यदि लोगों में सद्भावना है तो वे आपस में बहुत शांतिपूर्वक रहते हैं, बिना किसी मतभेद या लड़ाई के। भारत में विविधता में एकता देखी जाती है। विभिन्न धर्मों, जातियों और पंथों के लोग देश में एक साथ रहते हैं। भारत देश सद्भावना की एक मिसाल कायम करता है। हजरत मोहम्मद साहब जब भी नमाज पढ़ने मस्जिद जाते तो उन्हें नित्य ही एक वृद्धा के घर के सामने से निकलना पड़ता था। वह वृद्धा अशिष्ट, कर्कश और क्रोधी स्वभाव की थी। जब भी मोहम्मद साहब उधर से निकलते, वह उन पर कूड़ा करकट फेंक दिया करती थी। मोहम्मद साहब बगैर कुछ कहे अपने कपड़ों से कूड़ा झाड़कर आगे बढ़ जाते। प्रतिदिन की तरह जब वे एक दिन उधर से गुजरे तो उन पर कूड़ा आकर नहीं गिरा। उन्हें कुछ हैरानी हुई किंतु वे आगे बढ़ गए। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ तो मोहम्मद साहब से रहा नहीं गया। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। वृद्धा ने दरवाजा खोला। दो ही दिन में बीमारी के कारण वह अत्यंत दुर्बल हो गई थी। मोहम्मद साहब उसकी बीमारी की बात सुनकर हकीम को बुलाकर लाए और उसकी दवा आदि की व्यवस्था की। उनकी सेवा और देखभाल से वृद्धा शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। अंतिम दिन जब वह अपने बिस्तर से उठ बैठी तो मोहम्मद साहब ने कहा, अपनी दवाइयां लेती रहना और मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। वृद्धा रोने लगी। मोहम्मद साहब ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोली, मेरे दुर्व्यवहार के लिए मुझे माफ कर दोगे? वे हंसते हुए कहने लगे, भूल जाओ और अपनी तबीयत सुधारो। वृद्धा बोली, मैं क्या सुधारूंगी तबीयत? तुमने तबीयत के साथ साथ मुझे भी सुधार दिया है। तुमने अपने प्रेम और पवित्रता से मुझे सही मार्ग दिखाया है। मैं आजीवन तुम्हारी एहसान मंद रहूंगी। इससे हमें संदेश मिलता है कि हमारे अंदर यदि किसी के हित की, मंगल की भावना हो तो वह सामने वाले के हृदय को भी सद्भावना से भर देती है। हमारे जीवन में सद्भावना लाने के लिए हमें दूसरों की अच्छी बातों व विशेषताओं को ही देखना है, याद रखना है। हर एक में कुछ न कुछ अच्छी बातें होती ही हैं। और यदि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे जैसा हम नहीं चाहते, तब हमें उसकी अच्छी बातें याद दिलानी है स्वयं को। दूसरी बात, हमें आत्मा की हाईएस्ट स्टेज को ध्यान में रखना है कि आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज तो है ही प्रेम, शांति, ज्ञान स्वरूप। सदा दूसरों को देना ही मेरे जीवन का उद्देश्य हो, मुझे लेना नहीं सिर्फ देना ही देना है। यदि हमारा किसी को सिर्फ देने का ही भाव है परंतु वो इंसान का व्यवहार हमारे लिए नकारात्मक है, तब हमें यही समझना है कि अभी मेरा हिसाब इस व्यक्ति के साथ चुक तो नहीं हुआ है। हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है पर धैर्य रखना है और मजबूत रहकर सही मार्ग पर चलते रहना और निराश नहीं होना है। चलें, शांत होकर बैठ जाएं। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मेरे साथ सब बहुत अच्छा ही होता है। मेरे दिल में सभी के लिए निस्वार्थ प्यार है। मैं सभी को स्वीकार करती हूँ।
मेरा परिवार बहुत शानदार है, जो मुझे वैसे ही स्वीकार करता है जैसी मैं हूँ। मुझे सदा निस्वार्थ प्यार मिला है अपने परिवार से। मेरे जीवन के सभी पहलुओं में सामंजस्य है। ओम शांति।